हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि शहद कैसे बनता है? चलो जानते हैं कैसे शहद बनाता है हमारे छोटे छोटे मधुमक्खी भाई बहनों मिलके। सबसे पहले मधुमक्खियां फूलों के पास जाती है और फिर क्या, अपने सूंड निकाल के मधुमक्खियों से मीठा पानी यानी नेक्टर निकाल लेती है। ये नेक्टर एक खास थैली में जमा हो जाता है जिसे हनी स्टॉमिक कहते हैं। बस ये तो बस शुरुआत है। जब मधुमक्खियां अपने छत्ते पे जाता है तब ये मीठा पानी ये दूसरे मधुमक्खी को दे देता है। फिर क्या, ये मधुमक्खियां उस मीठा पानी को चबाता है और उसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट मिलाता है जिन्हें एंजाइम कहते हैं। इस प्रोसेस से नेक्टर का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है और वो एक गाढ़े शहद में तैयार होने लगता है। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके बाद ये शहद छत्ते के अंदर खाली जगह पे जमा किया जाता है और फिर एक कमाल का काम होता है। मधुमक्खी अपने पंखे से इस शहद को हवा करने लगता है जिससे शहद में मौजूद पानी और सूख जाए। जब शहद पूरी तरह से सूख जाता है तब शहद का जो मुंह है वो मोम से ढक दिया जाता है। क्या तुम्हें पता है एक मधुमक्खी अपने पूरे जिंदगी में बस एक छोटा चम्मच शहद ही बना पाता है? इतने मेहनत और साथ में मिलकर काम करने के बदौलत हमें इतना शुद्ध और मजेदार शहद मिलता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप शहद खाओ तो इन छोटे से दोस्तों को मत भूलना। ये अपनी कितने सारे मेहनत से हमें इतना बड़ा तोहफा देता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे लाइट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।